जल्द ही सिलीगुड़ी तेनजिंग नोरगे बस टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा विकसित। गौतम देव ने सिलीगुड़ी तेनजिंग नोरगे बस टर्मिनल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल की। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव को उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम हॉल में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय, डीएम प्रीति गोयल, एसडीओ प्रियंका सिंह, डीसीपी यातायात अभिषेक गुप्ता के साथ चेयरमैन गौतम देव शामिल हुए। लगभग जर्जर हो चुके NBSTC तेनजिंग नोरगे बस टर्मिनल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक बैठक की। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि NBSTC के तेनजिंग नोरगे बस टर्मिनल के बारे में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। इस संगठन के बुनियादी ढांचे को कैसे विकसित किया जाए, इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। जल्द ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।